हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज की रीडिंग है उन व्यूअर्स के लिए, दोज हु हैव बीन ट्रिगर्ड, जिन्हें ट्रिगर मिला है किसी तरह का, आइदर अपने फैमिली मेंबर से, सोसाइटी से, रिलेटिव से, और जिनको आपने चाहा, आपके लवर, बिलवेड, हस्बैंड या वाइफ, उनसे। दिस रीडिंग इज़ फॉर दोज जो जीवन में एक लॉन्ग टाइम पीरियड से स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी तरह का सपोर्ट उन्हें नहीं मिल रहा है फ्रॉम आउटसाइड। तो वो व्यूअर्स इस रीडिंग को देखेंगे, दोज हु वॉन्ट टू नो कि लाइफ में आर दे ऑन द राइट पाथ, क्या वो सही पाथ पर हैं। फ्रेंड्स, प्रेजेंट सिचुएशंस अगर आपको लगता है आपकी हैं, तभी आप इस रीडिंग को अपना समझें और एज अ गाइडेंस फॉलो करें। लेट्स प्रे टू गॉड्स कि कुछ बातें जो हमारे लिए यूजफुल हैं वो सामने आ सकें। तो फ्रेंड्स, जीवन में जो आपके मेजर इश्यूज हैं या जो आप चाहते हैं, उसे अपने माइंड में रखें। लेट्स सी विद दिस रीडिंग आपके साथ क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, एंड इन फ्यूचर आपको क्या मिलने जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स, द चैरियट, द हैंग्ड मैन, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, गॉड। फ्रेंड्स, प्रेजेंट स्टेटस तो समझ आ रहा है कि नो क्लैरिटी, किसी तरह की कोई क्लैरिटी नहीं है। ट्रैवल इज गोइंग ऑन, एक्शंस भी सही नहीं ले पा रहे हैं, सही नहीं ले पा रहे हैं का मीनिंग, एक पाथ डिसाइड नहीं कर पाए हैं अभी तक क्लियरली। और साथ साथ जो पॉइंट ऑफ व्यू है दुनिया को देखने का, दैट इज़ ऑल्सो लाइक द हैंग्ड मैन। इट मीन्स जैसा आपने एक्सपेक्ट किया दूसरों से, वैसा आपको कभी कुछ मिला नहीं, तो आपका नज़रिया ही उनको लेकर के बदल चुका है। तो फ्रेंड्स, प्रेजेंट स्टेटस में तो एक रेस्टलेसनेस भी नज़र आ रही है और कोई सेटलमेंट भी नज़र नहीं आ रहा है। अबाउट 12 मंथ्स से स्टक हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, बाहर निकलना भी चाहते हैं बट रास्ता नहीं मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, प्रेजेंट स्टेटस में आपके काफी ज्यादा उथल पुथल नजर आ रही है। फ्रेंड्स, लुक्स लाइक बहुत बड़ा ट्रिगर मिला है और इस ट्रिगर के बाद आप अपने जीवन में बहुत डिप्रेस्ड रहे हैं और अभी तक भी आपको क्लैरिटी मिला नहीं है व्हाट शुड बी विद यू, क्या होना चाहिए आपके साथ। और जैसा आप चाहते हैं फ्रेंड्स, वैसा तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। फ्रेंड्स, आपका लाइफ पाथ आया है थ्री ऑफ वॉन्ट्स। थ्री ऑफ वॉन्ट्स में दिस इज अ मर्चेंट जो कि शिप के आने का वेट कर रहे हैं, शिप इनका लेट हो गया था। तो फ्रेंड्स, इस तरह आपका लाइफ पाथ जो है वो आया है परफेक्ट टाइमिंग के लिए वेट करना। द हैंग्ड मैन भी बता रहा है थोड़ा वेटिंग रिक्वायर्ड है। फ्रेंड्स, जो आप चाहते हैं उसको लेकर के क्लैरिटी अभी आपको टाइम लगने वाला है मिलने में। फ्रेंड्स, इस वक्त आपका अटेंशन आपके सामने अदर ऑफर्स, अदर प्रपोजल्स पर नहीं होना चाहिए, बिकॉज आपका जो प्रेजेंट स्टेटस है ये बता रहा है कि आप अभी क्लियर नहीं है और बार बार अपनी राह खो देते हैं। तो फ्रेंड्स, 777 एंजल नंबर आपके लिए बन गया है इस वाली रीडिंग से। फ्रेंड्स, देखिए ये वक्त है जब आपको अपने साथ
जस्टिस करना है, इट मीन्स अपने पेंटिकल्स पर भी वर्क करना है, फाइनेंसेस पर, और जो भी आपका प्रोफाइल है इसमें अपने एफर्ट्स देने हैं बहुत ज़्यादा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए एज एन ऑब्स्टिकल आया है फ्रेंड्स यहाँ पर। इट मीन्स एक तो एंसेस्ट्रल हीलिंग रिक्वायर्ड हो सकता है, द मून भी है। सेकेंड थिंग, किसी पास्ट को लेकर के अब तक अगर स्टक हैं तो वो पास्ट ही है जो आपको स्टेबल नहीं होने दे रहा है। तो फ्रेंड्स आपके लिए एज एन एडवाइस भी आया है एट ऑफ वॉन्ड्स। इट मीन्स आप फ्रेंड्स अपने आप को इमोशनली सप्रेस ना करके कम्युनिकेशन में आते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने लगते हैं तो आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। और इस तरह के सिलेक्शन से फ्रेंड्स बचना है, बिकॉज यहाँ देखिए सामने ज्वेलरी है, यहाँ इंसेक्ट्स भी हैं, स्नैक्स भी हैं। इट मीन्स आप इस वक्त नहीं समझ पाएंगे कि आप क्या सेलेक्ट कर रहे हैं, तो बिकॉज स्टेबिलिटी नहीं है। बट फ्रेंड्स लाइफ पाथ जो है आपका दैट इज़ थ्री ऑफ वॉन्ड्स, और साथ साथ बॉटम ऑफ द डेक में नाइन ऑफ कप्स भी है। इट मीन्स जो आपकी विशेज हैं वो फुलफिल्ड होंगी, इसमें डिले है बस। ऑलराइट, लेट्स क्वालिफाई फ्रेंड्स की वेट करने के बाद भी कंफ्यूजन बना रहेगा, थ्री ऑफ वॉन्ड्स टू ऑफ सॉर्ड्स, वेट करने के बाद भी कंफ्यूजन बना हुआ रहेगा, तो लेट्स फाइंड इट आउट कि व्हाट्स दिस कंफ्यूजन अबाउट, ये किस बारे में है। डोर टू रोमेंस कॉर्नोकोपिया, थर्ड चक्र आर्कएंजल कैमियल। तो फ्रेंड्स यहाँ आपके रिलेशनशिप को लेकर के मैसेज है, आप वेट करें अपने पुराने पर्सन का या नहीं करें, इस बात का कंफ्यूजन आपको बना रहेगा। तो इट ऑल्सो मीन्स वन थिंग कि आपके पास इन फ्यूचर कोई रोमांटिक रिलेशनशिप, एक ट्रू रिलेशनशिप भी आ सकता है, और यू विल बी कंफ्यूज्ड कि आपको गेट ऑन करना है या नहीं करना है। लेट्स फाइंड आउट फ्रेंड्स कि अगर आप इतना ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं तो दिस हार्डवर्क विल गिव यू व्हाट, क्या देगा ये आपको। अटैचमेंट, डिसीट, रेस्ट एंड रेजुविनेशन, फ्रेंड्स ये वाला एनर्जी आ गया है। सेवन ऑफ कप्स, तो थोड़ा केयरफुल होकर के चलें, बिकॉज यहाँ आपके लिए अभी भी कुछ रॉन्ग हो सकता है। फ्रेंड्स एक मैसेज वर्ड्स में देखते हैं। फ्रेंड्स आपके साथ जस्टिस तो होगा, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, इट मीन्स आप थोड़ा हार्डवर्क करें अपनी लाइफ में और इमोशनली थोड़ा ओपन अप हों, बट अभी सिलेक्शन की जरूरत नहीं है पर्सनल लाइफ को लेकर। थ्री ऑफ कप्स आया है फ्रेंड्स विद वाइज काउंसलर, रिलीज द वर्ल्ड। फ्रेंड्स एक तो आप अपने आप को काउंसिल करें, अपनी मेरिट्स, डिमेरिट्स, ड्रॉबैक्स सब कुछ जाने, फेयर एंड स्क्वायर बनना होगा। न्यूज़ वर्थ सेलिब्रेटिंग, जॉयफुल अनाउंसमेंट लाइक एंगेजमेंट, वेडिंग, प्रेगनेंसी, ग्रेजुएशन, टाइम फॉर ग्रेटिट्यूड, क्लोज कम्युनिटीज और चोजन फैमिलीज। तो फ्यूचर में आपके पास फ्रेंड्स थ्री नंबर बार बार आ रहा है, थ्री नंबर आपका लाइफ पाथ नंबर भी आया है, जुपिटर का नंबर है, फैमिली ओरिएंटेशन को भी दिखाता है। फैमिली भी आपका वेल सेटल्ड रहेगा फ्रेंड्स, और हेल्थ वाइज भी इम्प्रूवमेंट मिलेगा। हाँ, रोमांटिक लाइफ को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के कन्फ्यूज़न ज़रूर दिखाई दे रहे हैं, बट कन्फ्यूज़न का मीनिंग है फ्रेंड्स यू विल डील विद समवन जो कि आपके लिए एक कॉम्पिटेबल पार्टनर होंगे। ओके, लेट्स क्वालिफाई, डोर टू रोमांस इज व्हाट।
क्वीन ऑफ कप्स आया है फ्रेंड्स। इट मींस फ्रेंड्स कोई ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जो कि आप ही की तरह ट्रिगर्ड रहे हैं, ये भी अपनी लाइफ में वेट कर रहे हैं फॉर समवन। एंजल्स गाइडेंस लेते हैं फ्रेंड्स। नंबर 7, 3, 9, 8 आपके ड्राइवर नंबर या लाइफ पाथ नंबर हो सकते हैं। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, अनलाइकली, नॉट द राइट टाइम। फ्रेंड्स आपकी सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आएगा बट फिलहाल ये कोई भी मेजर डिसीजन लेने का वक्त नहीं है। फॉरगिवनेस और रोमांस भी है फ्रेंड्स यहाँ पर, तो टाइम लगेगा रिलेशनशिप वाइज बट आपको क्लैरिटी मिलेगी। फॉरगिवनेस है फ्रेंड्स, तो जो हुआ है पास्ट में लेट इट बी, उसको भुला दें और अब अपने आप को स्टेबल बनाएं, इमोशनली ओपन अप हो जाएं। आपकी लाइफ में जो पाथ आया है दैट इज़ 3 of Wands, इट मीन्स थोड़ा वेटिंग एनर्जी ज़रूर रहेगा बट आपके लिए परफेक्ट टाइमिंग भी आएगा। थैंक यू सो मच, प्लीज़ टेक केयर।